ये जो मछली है ये खुल भी जाती है और इसमें कुछ आप रख सकते हैं सीक्रेट चीजें। दोस्तों सिर्फ मिर्जापुर में ही कालीने नहीं मिलती है, कैमूर में भी मिलती है। और ये हमारा अपना बिहार। कांचे ही बसके बहंगिया वही परसुगा में घरा, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। ये भोड़ा है क्योंकि ये फूल पे बैठा हुआ है। मैंने ये बीट लगवा लिया है, अब बताइए कैसा लग रहा है ये। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ दिल्ली हाट। यहाँ किया जा रहा है बिहार उत्सव का आयोजन और बिहारी होने के नाते मुझे ये जगह खींच लाई। और आइए चलिए मैं आपको बिहारी संस्कृति से रूबरू करवाती हूँ। इसकी जो लोकेशन है दिल्ली हाट की, वो INA मेट्रो स्टेशन जो कि येलो लाइन में पड़ता है, वहाँ से आप आ सकते हैं। और यहाँ मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही दिल्ली हाट है। दोस्तों ये यहाँ पे दिल्ली हाट लिखा हुआ है, यही वो जगह है। ये जो दिल्ली हाट है वैसे भी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे अभी बिहार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो ये ज्यादा डेकोरेट है अभी। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ एंट्री गेट के पास। यहाँ से सामने से एंट्री है। दोस्तों ये यहाँ से एंट्री गेट है और यहाँ लिखा हुआ है बिहार उत्सव 2024 और हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली हाट INA, तो वहीं से हम लोग एंट्री लेंगे। दोस्तों ये जो बिहार उत्सव है इसका आयोजन 16 से 31 मार्च तक होना है, लेकिन मैं लेट ही आती हूँ सब जगह, यहाँ भी लेट ही आई हूँ। वैसे 22 मार्च को बिहार दिवस था, लगता है उसी के आसपास में ये मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन आखिर आ तो गई मैं। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ क्या क्या है। दोस्तों ये जो है ये INA की बाहर की मार्केट है, ये सारा कुछ बाहर मिलते रहता है और वहाँ बालों में बीट लगाया जाता है, बहुत सुंदर उससे बाल दिखते हैं, तो मैं भी आके लगाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी फिर। अब हम लोग चलते हैं टिकट लेने, देखते हैं यहाँ कितने का टिकट मिलता है और क्या कॉस्ट होती है टिकट की, तो चलिए चलते हैं। ये जो है ये टिकट यहाँ मिलता है, तो ऑनलाइन नहीं मिलती है इसकी टिकट, यहीं से लेना होता है। यहाँ जो अभी है दिल्ली हाट का टिकट है 30 रुपए का, एक वयस्क का, बच्चों का 20 रुपीज का, और फॉरेनर जो आएंगे उनके लिए 100 रुपीज का टिकट है। और अभी जब तक बिहार उत्सव है वहाँ टाइमिंग लिखी हुई थी 10:30 बजे सुबह में ओपन होगा ये मार्केट दिल्ली हाट मतलब, और 10 बजे रात में ये बंद हो जाएगा, तो उससे पहले अगर आपको आना हो तो आ सकते हैं, और वो भी 31 मार्च से पहले। दोस्तों अब चलते हैं अंदर क्योंकि हमने टिकट ले लिया है और यहाँ से हम लोग अभी एंट्री लेंगे। दोस्तों ये चेकिंग की लाइन लगी हुई है, यहाँ कुछ भी अगर आप लेके आते हैं तो वो चेक होगा, उसके बाद ही अंदर जाने को मिलेगा। और वहाँ लिखा हुआ है नो पेट्स अलाउड। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था नो पेट्स अलाउड, मतलब पेट्स लाना अलाउ नहीं है, अगर आप लेके आते हैं तो यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए सोच समझ के आइए। और दोस्तों ये फोटो खिंचवाने के लिए फ्रेम बना हुआ है और इसमें ग्लास ब्रिज बना हुआ है बिहार वाला, तो मैं अब जा रही हूँ यहाँ पे फोटो खिंचवाने। और दोस्तों एंट्री करते के साथ यहाँ बिहार की कुछ पेंटिंग है, बिहार की कुछ ड्रेस मिल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे बिहार की मिथिला लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग। तो सबसे पहले ये मधुबनी चित्रकला, ये पूरी मधुबनी पेंटिंग्स ही हैं ये। दोस्तों एंट्री करते ही ये जो है सामने जस्ट ये हॉल 41 लिखा हुआ है, शॉप नंबर 1 है शायद ये, तो इसमें पूरी की पूरी मधुबनी पेंटिंग्स ही हैं। ये देखिए यहाँ पे एंट्री के साथ ही कितने अच्छे से बताया गया है, यहाँ दिल्ली हाट कार्यालय है, बैठक कक्ष है, हॉल 1 है, ये कलाम स्मारक है, रंग स्थल है, शिल्प हाट है, खान पान, बाल क्रीड़ा स्थल, और उसके बाद शौचालय, ये अच्छे से बताया गया है, किधर आप जाएंगे तो उस एरो की तरफ चले जाइए। और दोस्तों ये यहाँ पे सुंदर सुंदर कुर्तीज मिल रही है।
और दोस्तों ये देखिए, ये खादी पे मधुबनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और जिन्होंने बनाया है नीचे में उनका नाम लिखा हुआ है उषा देवी। दोस्तों बिहार उत्सव चल रहा है तो सब जगह मधुबनी ही मधुबनी दिख रही है। ये सामने भी मधुबनी पेंटिंग्स ही दिख रही है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स ही लगी हुई है पूरी की पूरी। ये देखिए कितने कमाल की होती है मधुबनी आर्ट्स, कितना सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है यहाँ पे। ये जो है ये पीपल का पत्ता बनाया गया है और यहाँ पे कृष्णा जी के गोद में राधे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ इस मार्केट में पूरे फॉरेनर्स लोग भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो सही में ये मार्केट बहुत ही फेमस लग रहा है यहाँ का। और ये कुछ लेदर के पर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे पूरी जयपुरी जूतियाँ वगैरह। दोस्तों देखिए, इस फोटो फ्रेम में फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई है। एक चीज ये देखिए, इस बैम्बू का यहाँ पे क्या बना हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं। दोस्तों अब देखिए, बिहार की स्टॉल दिखने शुरू हो गई है और यहाँ पे है प्रकाश ठाकुर, ये बिहार के हैं और ये देखिए ये इनकी शॉप है। दोस्तों ये है ठाकुर स्वर्णकार हस्तकला उद्योग और ग्राम मनिया जिला बांका के हैं। ये विश्व प्रसिद्ध हस्त निर्मित चांदी की मछली, ये सिल्वर की मछलियां हैं जो हस्त निर्मित है। रुको जरा, सबर करो। ये यहाँ जो है ये सिल्वर की सारी चीजें मिल रही हैं, रिंग्स वगैरह, मछली, और लग रहा है ये फेमस है शॉप शायद मछली के लिए ना। किस चीज के लिए फेमस है? ये सिल्वर फिश के लिए है, मछली के लिए। अच्छा, तो ये आप बिहार सरकार के उद्योग विभाग से कैसे ये? उद्योग विभाग द्वारा यहाँ पे हम लोग बिहार सरकार के माध्यम से आए हुए हैं। अच्छा, कितने मतलब 16 तारीख से जब से लगा है तब से? 16 तारीख से है। अच्छा, जैसे ये मछली है वो कितने की मिलेगी ये वाली? ये लगभग 51 ग्राम का है ये। अच्छा, लगभग इनका दाम 4500 रुपया है। 4500, मतलब जैसे चांदी मिलता है उसी हिसाब से मिलता है क्या? तो ये तो बहुत सुंदर सुंदर, और ये पायल वगैरह भी मिल रहा है? सब हैंडमेड। अच्छा, हैंडमेड ही है सारा। और ये है पीपल का पत्ता लग रहा है, पान का पत्ता शायद शादियों में दिया जाता है ना ये पान कसेली और मछली, जैसा कि मुझे पता है, मैं भी बिहार से हूँ इसीलिए, तो ये सब शादियों में दिया जाता है। और ये कटोरी बर्तन, ये ग्लास वगैरह है, और ये पिचकारी और बाल्टी सिल्वर की, बहुत क्यूट सी छोटी सी दिख रही है, बहुत सुंदर। बिहार उत्सव यहाँ पे कितने बार लगता है? साल में एक बार लगता है। साल में एक बार, तो और कब कब आते हैं आप लोग? हम लोग तो और जैसे विभाग से हम लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, कहाँ और कहाँ लगाते हैं? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में क्या? जी। अच्छा, वहाँ भी लगता है ना? बम्बई लगता है, हैदराबाद लगता है, अहमदाबाद लगती है। अच्छा, सब जगह लगता है। ये दोस्तों बलिया मिल रहा है, बहुत ही छोटे बच्चों का लग रहा है, जो पैदा हुआ है उसके लिए है ना ये जी। ये नजरिया वगैरह, ये कितने का है भैया? ये 700-800 रुपए तक है। 7-8 वजन के हिसाब से अभी देते हैं आप जी, ना। अच्छा, वजन के हिसाब से। सुंदर सुंदर चीज है। दोस्तों ये जो मछली है ये खुल भी जाती है और इसमें कुछ आप रख सकते हैं सीक्रेट चीजें। भैया ये किस चीज का है? करण जी, नीम फ्लावर का है, जामुन फ्लावर का हनी है, लीची फ्लावर है, और तुलसी फ्लावर है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। आप भी बिहार से हैं? अच्छा, यहाँ सारे बिहार के ही हैं क्या? अभी समस्तीपुर से, और वहीं ये बनाते हैं क्या? मधुमक्खी पालन होता है, पैकिंग होता है, वहीं मधुमक्खी पालन होता है और पैकिंग होती है। अच्छा, ये जो है बिहार के समस्तीपुर का हनी है, जो लीची के फ्लावर का और सारे कुछ के फ्लावर का बना हुआ है। कितनी प्राइस की आती है भैया ये? एक किलो 700 रुपये। सारे फ्लावर का एक ही है? अच्छा, ये तुलसी का है ना, वन तुलसी का, ये लीची, जामुन, ये सारा कुछ। दोस्तों अब चलते हैं स्टॉल और साड़ी की शॉप पे। ये है यहाँ पे मिल रही है साड़ियाँ। कहाँ की है? बिहार। बिहार में कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर की। ये साड़ी भागलपुरी साड़ी है क्या? तो भागलपुरी जो सिल्क होती है वही है कि कोई और है? नहीं, भागलपुर। तो ये जो साड़ी है इसकी क्या कॉस्ट आती है? ये 3500 की, और सिल्क है प्योर? टसर सिल्क है। और क्या है? दोस्तों ये अलग टाइप का फोटो फ्रेम मिथिला पेंटिंग्स का। ये सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल रही हैं और ये सारे स्टोन की। ये जो स्टॉल है ये लग रहा है बिहार के हैं,
कहाँ के हो भैया? बिहार। कहाँ से? भागलपुर। ये भी भागलपुरी साड़ी है ना? ये मैंने शायद वो वहाँ पे देखा था सरस मेले में भी ये साड़ी, इसलिए मुझे लगा। और ये साड़ी जो है कितने की दे रहे हो अभी? 2500 की। वहाँ भी उतने की मिल रही थी। और ये 1800 की। कौन सा सिल्क है क्या? टसर ही है साड़ी। दोस्तों ये पूरा भी भागलपुरी सिल्क की ही शॉप है। और ये जो साड़ी है ये 3500 की मिल रही है, टसर सिल्क की है। और ये पूरी कुर्ती है, मतलब सूट सलवार और दुपट्टा है। ये जो है ये सूट है ना? ये सूट आएगा, ये टसर पे आएगा, इसका बॉटम आएगा और इसकी शर्ट भी है, वो भी टसर पे है। ये सारा पेंटिंग होगा, हाथ से पेंटिंग किया होगा। अच्छा, कौन सी पेंटिंग है ये? ये मधुबनी है। मधुबनी ही है। अच्छा, ये वर्ली आएगी, ये भी सारा। अच्छा, ये वर्ली पेंटिंग है। और ये भागलपुर की मंजूसा की भी होती है ना? मंजूसा की नहीं आती है। हाँ, अच्छा। और ये कितने का सूट है जैसे? ये प्योर पे आएगा 7500 का, पूरा मतलब पूरा सेट आएगा 7500 का। ये तो है वो बर्ली ना? हाँ, दुपट्टे का मतलब विद 3 पीस है ये। हाँ हाँ। और वो जो है मधुबनी वाली सेम प्राइस है इसका, ये 7000 का। ये क्योंकि ये टसर पे आते हैं, प्योर टसर होता है। अच्छा, ये टसर है। ये कितने का है? ये पड़ेगी 9500। दोस्तों ये जो भैया है ये जयपुर से आए हैं, पर इन्होंने पूरी भागलपुरी सिल्क की साड़ी लगा रखी है अपने स्टॉल पे। भागलपुरी ही है क्या? भागलपुरी है मैडम, मधुबनी। सारे मधुबनी भी आपने भी लगा रखा है? ब्लॉक प्रिंट है। अच्छा, कलमकारी कौन सी है? ये सामने लगी हुई है, ये कलमकारी है। अजरक भी है। जैसे देखो जो वर्ली साड़ी है, वर्ली साड़ी कितने की है ये? 1200 की। ये 1200 की है। और आप लोग कहाँ से? भागलपुर से इलाके। और ये कलमकारी में कौन सी है? सामने लगी है। ये ही साड़ी है ना? लीलन मिल जाएगा, लीलन में लगे हुए कलर में भी है, वर्क में भी है। ये मधुबनी प्रिंट है, सारे कलर है, अजरक में भी है। मधुबनी प्रिंट वाली कितने की है? 1500। दोस्तों यहाँ एक जैसी ही बहुत सारी शॉप है, बहुत सारी स्टॉल लगाई गई है बिहार उस समय। और मेरे सामने है वो मच्छर, ये जो बिहार में चमकी बुखार फैलाता है। दोस्तों सिर्फ मिर्जापुर में ही कालीने नहीं मिलती है, कैमूर में भी मिलती है। तो ये देखिए कैमूरी कालीन, ये है सामने मेरे कैमूर की कालीने। यहाँ है कुछ अनोखी डायरीज, ओम गणेश जी, हाथी और महात्मा बुद्ध बने हुए। दोस्तों मेरे सामने जस्ट बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे की शॉप है, तो अलग अलग टाइप के उसमें दुपट्टे मिल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी शॉप है ये। ये 52 नंबर शॉप है और ये यहाँ पे दुपट्टे ही दुपट्टे मिल रहे हैं, मधुबनी प्रिंट का, नेट का, सारे प्रिंट का, बर्ली पेंटिंग का, सारे का दुपट्टा मिल रहा है। कौन कौन सा दुपट्टा है आपके पास? मधुबनी आएगी, पटोला आएगा। अच्छा, मधुबनी कौन ये है ना? ये और ये पटोला? पटोला इसी के नीचे है, ये मधुबनी हो गया। हाँ, ये कितने क्या है? ये 500 का मेटल नहीं, ये फ्लावर में। पटोला कहाँ का होता है भैया? भागलपुर का ही पटोला भी है। ये कौन सी है? ये अजरक में। अजरक ये कहाँ का है? सब भागलपुर का शॉप है ना? सारा भाग। अच्छा, भागलपुर की शॉप है। ओ, और ये कितने के मिलती है? ये 600 का, 600। अच्छा, 600। दोस्तों मेरे सामने शिवान की स्टॉल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या मिलता है। ये जो है ये पूरी शिवान की स्टॉल है, इसमें सूट सलवार दुपट्टा और साड़ी मिल रही हैं। कहाँ से अंकल लाए हैं ये बना के? कहाँ से बना के लाए हैं? ये यही रहते हैं दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं। कितने का है ये? 200 वाला है, 150 वाला है। ये पूरा वुड का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। और अंकल जब चलाते हैं तो ये नगाड़े की तरह बजता भी है। अंकल क्या है वो? धनुष है ना? और
ये जो है आपके हाथ में, ये सारा ही धनुष है। ये कैसे बना बजाइएगा, ये बजा के दिखाइए ना। ओह अच्छा, ये है एक तारा है, ये एक तार से बजता है इसलिए। दोस्तों ये जो अंकल बजा रहे थे वो एक तारा था, और ये आमेर फोर्ट में भी बजते रहता है, वहाँ लोग बजाते रहते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर बांसुरी, और ये अंकल बजाने लगे, बहुत ही बड़ी सी बांसुरी है। अंकल के पास सारे साइज की बांसुरी है, और ये बाघ का खाल। दोस्तों यहाँ पे पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स मिल रही है, यहाँ फिर से मधुबनी पेंटिंग्स दिख रही हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ अलग चीजें दिख रही है, यहाँ सामने कुछ ज्वेलरीज दिख रही हैं, और ये अलग टाइप के टॉप्स वगैरह और प्लाजो। ये जो शॉप है इसमें बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल रही है, और ये टॉप वगैरह भी मिल रहा है। दोस्तों ये जयपुरी है या भागलपुरी जो भी हो, लेकिन जूती जूती है। तो यहाँ पे कुछ यूनिक यूनिक सामान दिख रहे हैं, जैसे कि ये बेल्ट, ये सारे बेल्ट हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के। यहाँ पे हर्बल बॉडी स्क्रब मिल रहा है, ये देखिए ये बना हुआ है। पता है ये जो बना हुआ था वो हमारे गांव में जो नेनुआ होता है उसके अंदर का जो पक जाता है नेनुआ, उसके बाद जो होता है जो खाने लायक नहीं होता है उसका बना हुआ है। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा फैशन में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ना सरस मेला में इसकी जो है ना जूती बनी देखी थी, वो थे नागालैंड की शायद शॉप थी उसमें। तो ये यहाँ पे बेच रहे हैं उसके स्क्रब, तो उसकी प्रमोशन ज़्यादा ही हो रही है। दोस्तों ये कुछ अलग टाइप के कुछ खास खास ट्रे और वुडन सामान। दोस्तों ये हाथी कैसा दिख रहा है। बढ़ते बढ़ते हम खान पान के शॉप के पास आ गए हैं, ये अलग अलग टाइप के चिप्स की शॉप है। और बीट रूट की कौन सी चिप्स है? अच्छा, और ये बनाना का चिप्स है, और ये लग रहा है अलग अलग टाइप के अचार, और ये अलग अलग टाइप के पापड़। दोस्तों एक बहुत ही खास चीज दिखी है, बहुत ही बढ़िया चीज, ये आगे लिखा हुआ है, ये बेजोड़ बिहार स्टॉल नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों ये देखिए बुद्ध, और बिहार का कोई उत्सव हो और बुद्ध ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये कितने अच्छे अच्छे ट्रे मिल रहे हैं, वुडन के ही हैं पूरे, बहुत ही सुंदर सुंदर। सही में एक बेजोड़ चीज मैं आपको दिखाती हूँ, बैम्बू और वुड का बिहार बना हुआ, उसमें बुद्धा बने हुए और बहुत कुछ बना हुआ। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा बिहार, ये हमारे राम जी, और ये महात्मा बुद्ध, और ये स्वामी विवेकानंद जी, और ये सारा वुडन का है, और ये बैम्बू का भी बना हुआ है बस। और यहाँ लिखा हुआ है अपना बिहार, और ये जो है ये बॉटल है, आपको बैम्बू दिख रहा होगा पर मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। दोस्तों बिहार में एक से एक कलाकार हैं, ये देख के तो आपको विश्वास हो ही गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर्स भी है पूरा, ये मतलब बुना हुआ, ये लग नहीं रहा है, विश्वास नहीं हो रहा किसी का है, कैसे कटिंग कर करके बनाया गया है। ये दीदी हैं, इन्होंने पूरे वुडन के सामान बनाए हैं, आपने ही बनाया ना दीदी? नमस्ते, मेरा नाम आशा अनुरागनी है, मैं बिहार पूर्णिया जिला से हूँ, जहाँ मेरी कंपनी का नाम मणिपुरी बेम्बू आर्किटेक्चर है, जहाँ बांस से सारे सामान को बनाए जाते हैं। और हम जो यह काम करें इसमें ढेर सारी महिलाएं हैं, और काफी नीडी महिलाएं हैं, जैसे कि ब्रश बना रहे हैं जो हमारे दिनचर्या का है, टैंक क्लीनर है, पानी का बॉटल है। तो आइए हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड करें और इको फ्रेंडली को अपनाएं, ताकि हमारा पर्यावरण सुंदर हो और लोगों के स्वास्थ्य अच्छे हो, और शुद्ध हवा का हम लोग फायदा हो हमको, ताकि जो बीमारियां हैं, जो कि वातावरण प्रदूषित है, वो साफ सुथरा हो। और बैम्बू को अपनाइए, प्लास्टिक को हटाइए। और ये दिल्ली हाट में हम आए हैं बिहार दिवस के अवसर पे, आप आइए, दिल्लीवासी से निवेदन होगा, आप आइए, मेरा स्टॉल नंबर 3 है, और लंबी खरीदारी कीजिए, मेरा नंबर है 9570506173। आइए बैम्बू को अपनाइए और दिल से अपनाइए, क्योंकि बिना बैम्बू का तो कुछ भी नहीं है। और कहा जाता है अध्यात्म के दृष्टि से भी बैम्बू को शुद्ध माना जाता है, सबसे विशुद्ध चीज होता है, जो कि
पवित्र होता है, इसको हम पूजा पाठ में भी यूज करते हैं। तो बेम्बू का सामान घर में रखना पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। जब बेम्बू अपनाएंगे पर्यावरण सुंदर होगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आप आइए, लंबी खरीदारी कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और दीदी ने भी इस चीज को अपनाया हुआ है, ये इयर रिंग्स भी वुडन का पहना हुआ है। कमाल। ये हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर और बगल में उसके नमामि गंगे। और ये हमारा अपना बिहार। बिहार का फ्लेवर तो कहते हैं क्या कि बिहार की खुशबू दिल्ली की फिजाओं में अभी घूम रही है पूरे बिहार दिवस के अवसर पर। तो बिहार का गाना है, कांचे ही बसके बहंगिया वही परसुगा में घरा मार वो रे सुगावा धनु से सुगा गिरे मुड़ जा पहले पहले हम कैलो छठी मैया बरती तोहार करियो क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार। आइए, दिल्ली वासी से निवेदन होगा, स्टॉल नंबर 3 पर मेरा बेम्बो प्रोडक्ट है, लंबी खरीदारी कीजिए, पर्यावरण को बचाइए, प्लास्टिक को हटाइए। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगा आपके से मिलके। दीदी एक और राम जी का गीत आपको सुनाएंगी। दीदी बहुत एक्साइटेड हो गई हैं, मैं भी बिहारी वो भी बिहारी, तो हमारा दिल मिल गया है इसीलिए। ये राम जी का बेम्बो का तस्वीर है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे मेरी चौखट पे चल के आ, ये चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरो को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दोस्तों मेरे सामने आप गया की क्राफ्ट की स्टॉल है, ये है गया की वुड क्राफ्ट और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस हैं। दोस्तों ये हॉट पॉट है, ये देखिए कितना, ये कलाकार लोग कैसी कैसी कलाकारी करते हैं। दोस्तों शाम होनी शुरू हो गई है, लाइट्स जलनी शुरू हो गई है और मार्केट बहुत ही सजा हुआ बहुत सुंदर दिख रहा है। तो मैं और आपको दिखाती हूँ कौन कौन से स्टॉल कहाँ लगी हुई है। तो वहाँ जैसे डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं, इयर रिंग्स वगैरह, इधर कुर्तीज मिल रही है, इधर सिल्वर ज्वेलरी मिल रही है, फिर से इधर नीम उड कॉम है, पता नहीं क्या उडन के सामान मिल रहे हैं, और ये मिल रहा है कंबल वगैरह। ये महात्मा बुद्ध बहुत सुंदर सुंदर और गणेश जी दिख रहे हैं। दोस्तों ये पीतल के सारे देवता मिल रहे हैं। ये माता सरस्वती कितने की है, ये 38,000 की, और ये शिव जी 38,500। लाइट्स जलनी शुरू हो गई है, तो यहाँ भी लाइट्स जल गई है, और ये देखो कितने सुंदर सुंदर लाइट है, और ये पूजा के सामान बहुत सुंदर सुंदर, जैसे ये घंटी है। दोस्तों यहाँ पे आगे है फूड की स्टॉल, ये वेलकम गेट कितने अच्छे से बना रखा है इन्होंने। अंकल ये कठपुतली डांस वाली गुड़िया है क्या? राजस्थान से, जयपुर से है। राजस्थान जयपुर से है, ये गुड़िया ना दोस्तों वहाँ पे मिलते रहता है जयपुर में हवा महल के पास और जंतर मंतर के पास भी, ये पूरी। पर मैं ना दोस्तों बिहार की फूड की स्टॉल ढूंढ रही हूँ, तो उधर चलते हैं देखते हैं, शायद 14 नंबर पे वो स्टॉल है, तो उसको ढूंढते हैं। चलिए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ये है जूट क्राफ्ट भागलपुर का, ये इसमें बहुत सारे जूट के बैग्स मिल रहे हैं। ये है पटना की जूट क्राफ्ट की जूतियाँ। दोस्तों मैं अब आ गई हूँ बिहार की स्टॉल के पास, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार में ना खैनी तब का खैनी, प्यार में धोखावा लिट्टी में चोखावा, बिहार ही बिहार है, और ये इसके स्टॉल है, और साथ ही इसी के बगल में महात्मा बुद्ध बने हुए हैं। दोस्तों मैं इसको चमकी बुखार वाला मच्छर बोल रही थी, लेकिन ये भौड़ा है क्योंकि ये फूल पे बैठा हुआ है।
अब मैं जा रही हूँ बालों में बीट बनवाने। दोस्तों मैंने ये बीट लगवा लिया है, अब लोग बताइए कैसा लग रहा है। ये मुझे ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं जब भी आती हूँ ना INA तरफ तो मैं बीट बनवाती हूँ। और इस बीट को ना लगा के ना आप बाल को बांध भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ना इसको लगा के धुल भी सकते हैं, ये खासियत है इसकी, दिख रहा है ना। दोस्तों अब बाहर की ओर चलते हैं यहाँ से निकल के, और ये एग्जिट के टाइम ये मेरे सामने थैंक्स फॉर विजिटिंग दिल्ली हाट लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमने पूरा दिल्ली हाट घूम लिया है और बिहार उत्सव का यहाँ जो आयोजन हो रहा था उसका मजा भी ले लिया। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।